दोस्तों फिर से आपको स्वागत है नए वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने रैम प्रोसेसर वगैरह चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा, आप अगर पीसी या कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होगा और उसका मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर पे जाना है, माय कंप्यूटर पे इस पे जाना है, उसके बाद सबसे नीचे आना है, उसके बाद इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आसानी से मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है 2.93 GHz प्रोसेसर है और 4 GB रैम है और 64 जो बिट्स जो ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं पीसी और विंडोज़ वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम वगैरह अगर हो तो मुझे बोल सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और इस तरह से आप मैंने छोटी सी वीडियो मैंने सोचा आप बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, कमेंट्स आ रहा था तो मैंने ये वीडियो बना दिया है। और दोस्तों मैंने एक और वीडियो बनाया है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप क्रोम ब्राउज़र में किस तरीके से आप टीवी देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ से आप ऑनलाइन क्रिकेट टीवी वगैरह जो भी चैनल्स वगैरह देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका टोटली वीडियो अगर देखना है तो, अगर अपने क्रोम ब्राउज़र में आप चलाना चाहते हैं अपने लैपटॉप में लाइव टीवी और क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है वो आपको उसमें दिख जाएगा और वहाँ से आप चला सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।